नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। इसी को ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी भी कहा जाता है। बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है वो SSL का ही सक्सेसर है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि SSL जो हैंडशेक प्रोसेस है वो कैसे होता है, इसके सब प्रोटोकॉल क्या काम करते हैं, इसमें की एक्सचेंज कैसे होता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, और इसकी सेशन कीज मास्टर कीज कैसे जनरेट होती हैं, और सर्वर कैसे ऑथेंटिकेट होता है। इन सब चीज़ों को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपका डिजिटल सिग्नेचर है, सर्टिफिकेट्स हैं, और आपकी असीमेट्रिक कीज़ हैं, सिमेट्रिक कीज़ हैं, पब्लिक की, प्राइवेट कीज़। इनके बारे में एक आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं और किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। बेसिकली SSL अंडरस्टैंड करने के लिए वी शुड हैव द आइडिया अबाउट दीज टर्म्स। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जो अपलोड किए हैं वीडियो इस चैनल में, उसमें मैंने इन्हीं टर्म्स को डिस्कस किया है कि आपकी असीमेट्रिक, सिमेट्रिक, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट, पब्लिक की, प्राइवेट की क्या होती है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, इफ़ यू हैव द ब्रीफ आइडिया अबाउट दीज टर्म्स, सो यू कैन प्रोसीड विद दिस वीडियो। और आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप जाके उन वीडियोज़ को देखो और टू हैव द ब्रीफ आइडिया अबाउट दीज टर्म्स, देन कम टू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। सो सिक्योर सॉकेट लेयर बेसिकली लॉन्च हुआ था 1994 में। इसके 3 वर्जन डेवलप हुए थे, लेकिन जो पब्लिश हुए थे सिर्फ 2 वर्जन पब्लिश हुए थे, SSL 2.0 एंड SSL 3.0। बाद में IETF ने डेवलप किया TLS। इसमें बहुत सारी वीकनेस थी SSL में, जो कि नेटस्केप के थ्रू डेवलप किया गया था उनके ब्राउज़र के लिए, नेविगेटर ब्राउज़र के लिए। और उसके बाद IETF ने ओवरकम किया उन वीकनेसेस को एंड TLS ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के नाम से पब्लिश किया अपना ये नया वर्जन ऑफ SSL। बहुत जगह अभी भी SSL यूज हो, जो लोग टर्म्स में यूज करते हैं वो SSL ही करते हैं, क्योंकि इसका जो स्पेसिफिकेशन है, बेस स्पेसिफिकेशन है, वो SSL ही है। इन्होंने जो बेस स्पेसिफिकेशन रखा वो SSL रखा, देन SSL को ही डेवलप किया IETF ने। अभी इसके 4 वर्जन आ चुके हैं, TLS 1.0, 1.1, 1.2 एंड 1.3। 1.3 आई थिंक लॉन्च हुआ था 17 या 18 में। अभी मोस्ट ऑफ द जो ब्राउजर्स एंड सर्वर हैं वो TLS 1.2 ही यूज करते हैं, जो मैक्सिमम सर्वर हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो हैंडशेक प्रोसेस है वो 1.2 को ही बेस रखा है, क्योंकि 1.3 और 1.2 में काफ़ी डिफरेंसेज हैं। काफ़ी फास्ट कम्युनिकेशंस कर दी है TLS 1.3 में। हो सकता है कि अगर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो TLS 1.3 का जो हैंडशेक प्रोसेस है वो भी डिस्कस करूँ उसमें। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं नेक्स्ट इस वीडियो के बाद एक इसमें अपलोड कर दूँगा। आज हमारा जो बेस रहेगा वो 1.2 रहेगा। सबसे पहले देखिए इसमें एक प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर। OSI लेयर हम सबको पता है, जो भी नेटवर्किंग फील्ड से होते हैं उन्हें एक OSI लेयर पता होती है कि डेटा आपका एक फिजिकल लेयर से लेके एप्लीकेशंस लेयर तक कैसे प्रोसेस करता है, देन वाइस वर्सा एप्लीकेशंस टू द फिजिकल लेयर। इसमें आपका IP TCP। SSL प्रोटोकॉल बेसिकली जो काम करता है वो बिटवीन एप्लीकेशंस एंड TCP काम करता है। इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी बोलते हैं, कि ये जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके ऊपर काम करता है और एप्लीकेशन के नीचे काम करता है। आई वुड से कि आपका जो प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर है उस पर ये काम करता है, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन भी होता है, इनकोडिंग, डिकोडिंग और सारी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है वो इन्हीं चैनल्स पे होता है। इसमें भी बेसिकली एक आई वुड से द सुइट ऑफ प्रोटोकॉल्स है। एक गुच्छा है प्रोटोकॉल का। इसमें एक SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल है, इसमें एक SSL चेंज साइफर स्पेक प्रोटोकॉल है, SSL अलर्ट प्रोटोकॉल है, SSL TLS रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है। इनका क्या काम है डिफरेंट तरीके से हम जब इसका हैंडशेक प्रोसेस पहले समझेंगे, उसके बाद हम इन प्रोटोकॉल्स को धीरे 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 ग्रेजुअली वी विल अंडरस्टैंड कि इनका अलग अलग क्या काम है। लेकिन जो दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ SSL इज़ द हैंडशेक प्रोटोकॉल। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। आई वुड से कि 70-80% जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो हैंडशेक के ड्यूरिंग ही होती है, क्योंकि सारी की मैकेनिज्म, की एक्सचेंज प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन इसी बीच में हो जाता है। इसमें ये मैंने प्रोटोकॉल अलग अलग लिखे हैं कि हैंडशेक प्रोटोकॉल का काम होता है ऑथेंटिकेशन और की जनरेशन, मैं इसमें लिखना भूल गया,
इसमें की जनरेट भी होती हैं, इसमें सिमेट्रिक असीमेट्रिक की जनरेट सिमेट्रिक आयूट से सिमेट्रिक की जनरेट होती है। रिकॉर्ड प्रोटोकॉल का काम होता है कि एप्लीकेशन से डेटा लेके उसको कैसे आगे प्रोसेस कराना टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट लेयर और आईपी लेयर। अलर्ट प्रोटोकॉल होते हैं कि अलर्ट कुछ अगर आपका बहुत सारे अलर्ट्स हैं, मैं अभी शो करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में, सो वो अलर्ट्स पे अलर्ट प्रोटोकॉल काम करता है। चेन साइफर स्पेक, जब मैं हैंडशेक प्रोटोकॉल अभी डिस्कस करूँगा उसमें जो साइफर स्पेसिफिकेशन चेंज होती है इन बिटवीन, दैट टाइम पे ये आपका एक्टिव मोड में आ जाता है और पेंडिंग मोड पे काम करता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, इसी प्रोटोकॉल जो हेडर है बेसिकली हेडर पे सारे अप्लाई होते हैं उस केस पे। सो लेट्स स्टार्ट द हैंडशेक प्रोसेस। हैंडशेक प्रोसेस क्या है? बेसिकली क्लाइंट और सर्वर, जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं किसी सर्वर के साथ, तो आपको पता है आज के रेट पे जब हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं तो किसी भी वेबसाइट को टाइप करने से पहले ऑटोमेटिकली HTTPS आपका वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। सो S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी। सो जहाँ भी HTTP के बाद S लगा होगा, दैट मीन्स वो सिक्योर वेबसाइट है आपकी। सो वो मैंने चीज़ें पहले वाले वीडियोज़ में डिस्कस की हैं काफ़ी। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकते हो आप। एक्चुअली सिक्योरिटी जो SSL है वो एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। अब वो सिक्योरिटी आपको किस प्रोटोकॉल पे चाहिए, एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल पे, उस पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपने देखा HTTP लिखा है, मेल लिखा है, FTP लिखा है, और भी बहुत सारे ऐसे आज की रेट पे एप्लीकेशंस हैं और जो कि यूज करते हैं सिक्योरिटी के लिए SSL। सो HTTP है तो HTTPS हो जाएगा। मेल आपने देखा कि SMTP और पहले यूज होते थे, नॉन इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा जाता था, मेल जाती थी। आज सारे जो मेल सर्वर है वो SSL यूज़ करते हैं, FTP यूज़ करता है, DNS यूज़ करता है। सो बहुत सारी एप्लीकेशन है जो SSL अपना सिक्योरिटी के लिए यूज़ करती है। तो एक प्रोसेस है हैंडशेक प्रोसेस, ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है। सो जो इसका की एक्सचेंज एल्गोरिदम्स हैं बेसिकली, वो डिफरेंट तरीके से होती हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। जो कीज़ आपकी जनरेट होती हैं या एक्सचेंज होती हैं उसमें, जैसे RSA है और डिफी हेलमैन है और आपका एलिप्टिक कर्व है, तो ये बहुत सारे और भी हैं एक दो, तो बहुत सारे यूज होते हैं। लेकिन मोस्टली जो यूज होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में वो आपका RSA की एक्सचेंज एल्गोरिदम ही यूज होता है, तो उसी को हमने बेस इसमें लिया है। तो इसमें स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, इनको हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसी को पहले हम ख़त्म करते हैं। सो क्लाइंट ब्राउज, अगर आपके पास सपोज करो एक वेबसाइट है abcbank.com की, आज बैंक को आप सपोज करो ब्राउज करने वाले हो और आपका नेट बैंकिंग आपको ओपन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्राउज़र है आपका क्रोम हो सकता है, आपका मोजिला हो सकता है, आपका सफारी हो सकता है, कोई भी ब्राउज़र है, वो आज की डेट पे हर कोई TLS या SSL सपोर्ट करते ही हैं। SSL वैसे अब एंड ऑफ लाइफ हो चुका है, आई थिंक 2015-14 में। सो उसके बाद की वेबसाइट्स आई डोंट थिंक कि कोई इसको यूज़ करता है आज की डेट पे। सो जैसे ही आप अपना टाइप करते हो ब्राउज़र पे किसी भी वेबसाइट का नाम जो कि सिक्योर्ड होगी, तो उसके बाद आपको पता है कि सबसे पहले TCP हैंडशेक। अगर हम बात करेंगे OSI लेयर की, सो OSI लेयर में जो TCP ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP काम करता है आपका टू मेंटेन द चैनल बिटवीन टू पॉइंट्स। वो आपका क्लाइंट सर्वर भी हो सकता है, दोनों क्लाइंट भी हो सकते हैं। सो TCP हैंडशेक अलग से होता है। आई थिंक ये नेटवर्किंग में हम सब ने पढ़ा है कि सिन मैसेज पहले क्लाइंट से जाता है सर्वर, फिर एक्नॉलेजमेंट आती है, फिर उसके वो क्लाइंट सिनैक अपना चैनल मैसेज सेंड करता है थर्ड चैनल। तो उसके बाद क्या होता है, TCP जो हैंडशेक प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, उसके ऊपर डेटा ट्रैवल करता है। सो ये हैंडशेक के बाद जो SSL काम करता है, मैंने यहाँ पे बताया था कि TCP के अपर लेयर पे काम करता है ये। सो इसके बाद ही जब जैसे ही TCP हैंडशेक ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद SSL का जो एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो सबसे पहले जो क्लाइंट है आपका वो सर्वर को क्या भेजता है, क्लाइंट हेलो मैसेज भेजता है। सबसे पहले हेलो मैसेज भेजेगा। हेलो में वो क्या क्या भेजता है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन भेजता है वर्जन, कि आपका वर्जन क्या है, आप कौन सा क्लाइंट TLS का वर्जन यूज़ करने वाले हो, आपका SSL आपका वर्जन कौन सा, SSL है, TLS है, या TLS में भी 1.0 है, 2.0 है, 3.0 है, तो कौन सा वर्जन आप यूज़ करने वाले हो वो इसमें भेजेगा कि वर्जन। सो अकॉर्डिंगली जो सर्वर रहेगा, सर्वर भी होगा, वो अपना वर्जन हाईएस्ट वर्जन चूज कर लेगा। एक होता है क्लाइंट रैंडम, इसमें एक रैंडम कीज जाती है, जो क्लाइंट सेंड करता है वो क्लाइंट को
एक रैंडम कीज भी सेंड करता है साथ में, जो कि बाद में इसकी जो की जनरेशन होता है प्रोसेस, बाद का प्रोसेस है, जो मैं कहूँगा कि फेज़ टू का एक प्रोसेस है, सो उसमें ये काम आता है क्लाइंट की जनरेशन के लिए। सो एक रैंडम की भेजी जाती है सर्वर को। कुछ रीप्ले अटैक्स भी होते हैं बेसिकली, उसको भी अवॉइड करता है ये क्लाइंट रैंडम। सो मैं ज़्यादा उसमें रीप्ले अटैक्स में नहीं जाऊँगा अभी। सो उसका भी एक प्रोसेस है। सेशन आईडी होती है, नए वाले TLS में तो आई थिंक सेशन आईडी का कोई ऐसा यूज है नहीं, लेकिन पहले में यूज होता था। ये होता है इसलिए कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, सपोज़ करो किसी का एग्जिस्टिंग SSL कनेक्शन बना हुआ है और उसी को आपको आगे प्रोसीड करना है, तो इसमें वो जो प्रीवियस सेशन आईडी होगी उसको भेजेगा। नया कनेक्शन होगा तो वो नए कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजेगा विद द सेशन आईडी। तो सेशन आईडी उसके लिए जो होती है। एक साइफर सुइट होता है। साइफर सुइट में ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स, जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स हैं, वो इसके पास है, क्लाइंट के पास, और उन पे ये कम्युनिकेट कर सकता है। तो एक मॉडल होता है बहुत सारे, मैं आपको अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में देखूँ, एक ये साइफर सुइट होता है, ये वायर शार्क का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो साइफर सुइट में ना ये मल्टीपल ऑप्शंस देता है, जो भी क्लाइंट का ब्राउजर सपोर्ट करता है एल्गोरिदम्स। इसमें आप देखोगे तो एल्गोरिदम के साथ वो सारे जो सिमेट्रिक कीज़ कौन से यूज़ कर सकता है, सिमेट्रिक एल्गोरिदम कौन सा यूज़ कर सकता है, जैसे AES दिया है, फर्स्ट वाला एल्गोरिदम जैसे RSA के साथ ही काम करेगा AES के साथ। सो RSA की एक्सचेंज मेथड यूज़ करेगा, AES एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड यूज़ करेगा अपना सिमेट्रिक कीज़ के लिए। ये सिमेट्रिक की आपको पता ही है, AES और CVC जैसे आपका कोड ब्लॉक चेनिंग होती है, इसका एल्गोरिदम होता है। AES के डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, 4-5 एल्गोरिदम्स हैं AES के अलग अलग। सो ये इसमें से चूज करता है, ये सारे एल्गोरिदम जो भी सपोर्टेड होंगे ब्राउजर के ये भेजेगा सर्वर को, और सर्वर इनमें से जो हाईएस्ट चूज होगा, बेस्ट पॉसिबल होगा, वो ये चूज करेगा। ये वाला बेसिकली जो स्वीट है ये TLS 1.2 का है। TLS 1.3 में बहुत सारे बेसिकली हटा दिए गए हैं अभी, जैसे ये एलिप्टिक कर्व वाला था, ये हटा दिया गया क्योंकि कुछ वीकनेसेस आई थी इसमें। और इसमें जैसे ये रखा है CHA 4.2, ये इसके लिए यूज होता है अपना इंटीग्रिटी के लिए। तो TLS 1.3 में ये जो स्वीट है बहुत कम कर दिया गया है, लेकिन इसमें से ये मान के चलो कि अगर यहाँ से क्लाइंट ने भेजा ये, तो इसमें से जो सर्वर है वो बेस्ट पॉसिबल स्वीट को चूज करेगा कि कौन से एल्गोरिदम्स पे उसे कम्युनिकेट करना है फर्दर। और कंप्रेशन मेथड, क्योंकि डेटा आपका कंप्रेशन भी होता है, किसी भी नेटवर्क में डेटा अगर ट्रैवल करता है तो बिना कंप्रेशन मोड पे नहीं जाता है, सो कंप्रेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो कंप्रेशन में कौन सा मेथड ये यूज़ करने वाला है क्लाइंट, वो इसी इन्फॉर्मेशन में सारा भेजता है सर्वर को। देन सर्वर, वंस द सर्वर रिसीव दिस इन्फॉर्मेशन, तो सर्वर भी क्या करता है, सारा चेक करता है सबसे पहले कि इसने कौन सा, क्लाइंट ने कौन सा वर्जन भेजा है, रैंडम कीज़ क्या भेजी हैं, सेशन आईडी क्या भेजा है, साइफर सुइट क्या भेजा है, कंप्रेशन मेथड क्या भेजा है। सर्वर आल्सो सेंड ए सर्वर हेलो मैसेज, तो ये मैसेज हो गया नंबर एक। नंबर टू मैसेज जाता है सर्वर हेलो मैसेज, ये भी इसमें से चूज करता है बेस्ट पॉसिबल कौन कौन सा वर्जन है। सर्वर रैंडम, ये भी अपना एक रैंडम की भेजता है, जो कि बाद में यहाँ पे आपका की जनरेशन में ये काम आएगा। ये डॉट्स आपके बेसिकली कनेक्ट होने चाहिए, तब जाके की जनरेशन और उसका ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन समझ में आएगा। सो सेशन आईडी ये भी भेजता है, अगर कोई प्रीवियस सेशन आईडी पे इसको कम्युनिकेट करना है तो वो भेजेगा, अदरवाइज नई सेशन आईडी भेजेगा। ये भी अपना साइफर सुइट, ये क्या करेगा, इसमें से बेस्ट साइफर सुइट चूज करेगा और फिर क्लाइंट को मैसेज देगा कि मैं इस साइफर सुइट पे, इस एल्गोरिदम्स पे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ फर्दर। ये भी अपना कंप्रेशन मेथड चूज करेगा फ्रॉम द क्लाइंट लिस्ट। तो ये एक प्रोसेस हो गया क्लाइंट हेलो का मैसेज। अभी सर्वर हेलो ख़त्म नहीं होता है, सर्वर हेलो फिर एक मैसेज भेजता है और अपना एक सर्टिफिकेट भेजता है, क्योंकि आपको पता है SSL बिना सर्टिफिकेट के काम कैसे ऑथेंटिकेट करोगे आप किसी को। इंटरनेट पे तो सारे, किसी भी सर्वर, सपोज करो ये सर्वर abcbank.com का है, मैंने भी कोई abcbank.com का एक वेबसाइट सपोज़ करो abcdbank.com के नाम से बना दी, करेक्ट, लेकिन उसका सर्टिफिकेट अलग होगा। ये सर्टिफिकेट का पार्ट मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। सो ये अपना एक सर्टिफिकेट भेजता है ऑथेंटिकेशन के लिए सर्वर। आपको पता है सर्टिफिकेट की में क्या होती हैं, प्राइवेट कीज होती हैं, पब्लिक कीज होती हैं। सो दो कीज पे काम करता है, अगर एक की से आपका इनक्रिप्ट हुआ है डेटा तो दूसरे की से वो डिक्रिप्ट होता है, करेक्ट, ये प्रोसेस होता है। और ऑथेंटिकेट कहाँ से होता है सर्वर, सर्वर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलते हैं, जो आपकी अथॉरिटीज़ होती हैं, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ से मिलते हैं।
तो ये अपना एक सर्वर सर्टिफिकेट भेजता है ऑथेंटिकेशन के लिए, जो कि क्लाइंट को ये पता चलेगा कि ये सर्वर ने जो सर्टिफिकेट भेजा है ये वही सर्वर है abc.com का जिससे मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो ये अपना एक सर्वर सर्टिफिकेट भी भेजेगा, और रिक्वेस्ट क्लाइंट सर्टिफिकेट ये बेसिकली ऑप्शनल होता है। बहुत बार क्या होता है कि सर्वर भी इसको ऑथेंटिकेट करना चाहता है क्लाइंट को, कि जिस क्लाइंट से वो बात करना चाहता है उसी से, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं, इसलिए ये ऑप्शनल होता है। इसको कहते हैं टू वे हैंडशेक। अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे सपोज करो किसी क्लाइंट को भी ऑथेंटिकेट करना है सर्वर को, तो वो इसका भी सर्टिफिकेट मांगेगा। तो देन एक इसमें मैसेज और ऐड हो जाएगा कि ये भी अपना मैसेज सेंड करे, सर्वर सर्टिफिकेट सेंड करेगा सर्वर को, और ये उसको फिर ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट करेगा, वेरीफाई करेगा। सो ये प्रोसेस हो गया, क्लाइंट हैलो, सर्वर हैलो, और यहाँ पे जैसे सर्वर अपना सर्टिफिकेट भेजता है तो सर्वर हैलो का एंड हो जाता है मैसेज का। अब आते हैं हम सेकेंड फेज पे। इस फेज में क्या होता है, इसके पास अब क्लाइंट के पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, करेक्ट, इसका सर्टिफिकेट आ गया है। सो बाकी इन्फॉर्मेशन तो इसकी मैच हो गई है, इसको अब सर्वर सर्टिफिकेट पे काम करना है। तो ये क्लाइंट है, तो क्लाइंट क्या करेगा, सबसे पहले वेरीफाई करेगा सर्टिफिकेट को, जो ये सर्टिफिकेट भेजा है सर्वर ने, ये वाला भेजा था सर्वर ने ये वाला सर्टिफिकेट, इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कहाँ से करेगा, सर्टिफिकेट अथॉरिटी से। सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ वगैरह मैंने डिस्कस की है अपनी प्रीवियस स्लाइड में। सो यहाँ से ये वेरीफाई करेगा सर्टिफिकेट को। सो वंस इट्स वेरीफाइड कि हाँ ये abc.com का ही सर्टिफिकेट है, देन क्लाइंट विल स्टार्ट द कम्युनिकेशंस। फिर वो करेगा की एक्सचेंज मेथड स्टार्ट होता है आफ्टर वेरीफाइंग द सर्टिफिकेट। सो इसके बाद क्या होगा, क्लाइंट की एक्सचेंज मेथड यूज़ करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब जो कीज़ हैं, जो आपकी सिमेट्रिक कीज़ हैं, वो जनरेट होना शुरू होती है। सो इसमें क्या होता है, एक प्री मास्टर सीक्रेट होता है। प्री मास्टर सीक्रेट जो यहाँ पे बेसिकली क्लाइंट जनरेट करता है, वो अपनी जो रैंडम वैल्यू थी, जो क्लाइंट की रैंडम वैल्यू यहाँ पे दी गई थी, उसी में से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एक प्री मास्टर सीक्रेट जनरेट करता है, और उसको क्या करता है, सर्वर का पब्लिक आईपी, पब्लिक की, सॉरी, ये जो सर्टिफिकेट आया था, इस सर्टिफिकेट में इसका पब्लिक की भी होगी, करेक्ट, क्योंकि प्राइवेट की जो होती है वो हमेशा जिस ओनर की होती है, सर्वर की या क्लाइंट की, वो उसके पास होती है, वो कभी पब्लिक नहीं होती है। पब्लिक में जो होती है वो सर्टिफिकेट के साथ जाती है आपकी पब्लिक की। सो इसमें क्या करेगा, इसमें पब्लिक की होती है इस सर्टिफिकेट में, प्री मास्टर सीक्रेट जनरेट करता है ये अपना क्लाइंट रैंडम जो भी वैल्यू थी, उस वैल्यू में से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्री मास्टर सीक्रेट लेता है, प्लस इस सीक्रेट को क्या करता है, जो सर्वर की पब्लिक की है, इस उसको उससे इनक्रिप्ट कर देता है मैसेज को। सो ये मैसेज का इनक्रिप्ट फॉर्म में जाता है सर्वर के पास। और इसमें सेकंड क्या होता है, चेंज साइफर स्पेसिफिकेशंस, चेंज साइफर स्पेसिफिकेशंस। सो ये कहता है अब कि अब आप, अभी तक तो हम ऑथेंटिकेशन कर रहे थे, उसमें हमने ये प्रोटोकॉल यूज किए हैं, अब आप अपना जो साइफर स्पेसिफिकेशन है, कीज़ हैं, वो आप चेंज कर दो मेथड, अब आप हमें सिमेट्रिक कीज़ पे आगे बात करनी है। तो ये चेंज एक रिक्वेस्ट भेजता है आयूर से कि आप साइफर जो भी स्पेसिफिकेशन है, जो आपकी कीज़ हैं, मेथड है या नेगोशिएशन आप यूज़ कर रहे थे, उसको आप चेंज करो, सर्वर टू वेरीफाई नेगोशिएशन अपॉन फॉर द फ्यूचर मैसेज। सो ये सर्वर को वेरीफाई भी करना होता है, सर्वर की नेगोशिएशन ऑप्शन फॉर द फ्यूचर मैसेज। ये कहता है कि मैं ये प्री मास्टर की मैंने जनरेट की है, ये आप, मैंने तेरी पब्लिक की से इसको इनक्रिप्ट कर दिया है। अब ये अगर पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया हुआ मैसेज है, तो ये इसी सर्वर की जो प्राइवेट की होगी इसके पास, उसी से ये डिक्रिप्ट होगा एट द पॉइंट ऑफ सर्वर साइड। तो सर्वर इसको वेरीफाई भी करेगा, इस नेगोशिएशन प्रोसेस को, चेंज साइफर स्पेसिफिकेशन को, और ये फिनिश्ड। तो यहाँ पे अपना क्लाइंट जो है बेसिकली ये कम्युनिकेशन फिनिश कर देगा। सो मैसेज यहाँ पे इसका फिनिश हो जाएगा। अब बात आती है सर्वर पे। सो सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले सर्वर डिक्रिप्ट प्री मास्टर की विथ इट्स प्राइवेट की। सो इसके पास अपनी प्राइवेट की होगी, अब इसके सर्वर से पब्लिक की से इसको इन्हें डिक्रिप्ट किया था इस प्री मास्टर सीक्रेट को, तो यहाँ पे आके इसको ये डिक्रिप्ट कर देगा अपनी प्राइवेट की से। सो इसके पास ये मास्टर की जो होगी ये इसके पास भी आ जाएगी। सो ये जो प्री मास्टर की है वो इसके पास भी है, और ये प्री मास्टर की अब इसके पास भी है, करेक्ट। और बाकी अगर ये जो इसका डिक्रिप्शन मैथ फेस है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद सर्वर क्या करेगा, सेम मैसेज, चेंज साइफर स्पेक, क्लाइंट टू वेरीफाई नेगोशिएशन ऑप्शन टू फ्यूचर मैसेज। सो ये क्लाइंट को सेंड करता है और बोलता है कि मैं भी अब नई जो सिमेट्रिक कीज है उन्हीं को यूज करूँगा फॉर द फ्यूचर मैसेजेस,
और अपना भी ये जो ये मैसेज है वो फिनिश कर देता है, और अपना जो सेशन है, सेशन तो नहीं कहूँगा, जो अपना ये मैसेज है उसको ये फिनिश, कम्युनिकेशन फिनिश कर देता है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दिस, एस्टैब्लिश दिस चैनल, सिक्योर चैनल। अब इसमें एक फेज और मैंने डाला हुआ है, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन एंड की एक्सचेंज। सो क्लाइंट ऑथेंटिकेशन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर सर्वर की रिक्वायरमेंट है कि वो क्लाइंट को भी ऑथेंटिकेट करना चाहता है, तो इसी में वो क्लाइंट का ऑथेंटिकेशन भी मांगता है। तो ये बेसिकली एक ऑप्शनल, इसमें आई वुड से कि ऑप्शनल एक फेस है। अगर क्लाइंट की एक्सचेंज होता है देन इसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ऐसी होगा जैसे यहाँ पे है, इसने इसका पब्लिक की से इसको क्लाइंट भी अपना एक सर्टिफिकेट इसको सेंड करेगा, और सर्वर भी क्या करेगा, एक अपना उसकी जो क्लाइंट की पब्लिक की होगी उससे इनक्रिप्ट करके डेटा भेजेगा क्लाइंट को, देन क्लाइंट विल वेरीफाई दैट सीक्रेट। सो वही प्रोसेस और इसमें ऐड हो जाएगा। सो वो बेसिकली ऑप्शनल होता है, मैक्सिमम केसेस पे ऐसा कोई क्लाइंट की ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये फेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ फेज पे। ये फेज बेसिकली जो मैंने लिखे हैं ना, ये सिर्फ वर्चुअल फेज है, ऐसा कुछ टेक्निकल रीजन नहीं है इनका फेज का कि इतने फेज में ये काम हो रहा है एज़ पर RFCs और एज़ पर प्रोटोकॉल एल्गोरिदम्स, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने अलग अलग फेसेज यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अगर फेसेस एक्चुअल में मैसेजेस समझने हैं तो अभी मैं आपको ना एक वायर शार्क का पैकेट कैप्चर का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, तो उसमें अलग अलग मैसेजेस कैसे ट्रैवल करते हैं वो आपको उसमें दिख जाएगा। अब उसके बाद पार्ट आता है जो हैंडशेक प्रोटोकॉल का फाइनलाइजिंग पॉइंट है। सो यहाँ पे ये अब सब अभी तक तो क्या हुआ है, प्री मास्टर की दोनों के पास आ गई है, करेक्ट, दोनों ऑथेंटिकेट हो गए हैं। सर्वर ऑथेंटिकेट हो गया है, क्लाइंट ने ऑथेंटिकेट कर लिया, इससे पता है कि अभी abcbank.com का ही सर्वर है। अब बात करता है ये क्लाइंट की जनरेशन की। सो यहाँ पे इसका प्री मास्टर की भी जनरेट होके शेयर हो गया दोनों के पास, सेम मास्टर की है। अब यहाँ पे एक मास्टर की जनरेट होती है इसके बाद दोनों के पास, क्लाइंट के पास भी और सर्वर के पास भी। सो मास्टर की जो जनरेट होती है वो जनरेट होती है जो सबसे पहले CR स्टैंड फॉर क्लाइंट रैंडम, SR स्टैंड फॉर सर्वर रैंडम, और PM स्टैंड फॉर आपका जो है प्री मास्टर की थी। सो यहाँ से लेके प्रोसेस फर्स्ट फेज से लेके सेकंड फेज तक ये एक मास्टर की जनरेट करता है, ये वैल्यू लेके, एक तो जो इसके क्लाइंट की रैंडम वैल्यू थी इसमें से एक वैल्यू लेता है, फिर जो सर्वर रैंडम था इसमें से एक वैल्यू लेता है, और जो इसकी प्री मास्टर की थी इसमें से एक वैल्यू लेता है। सो इन वैल्यू को ये कैलकुलेट करके एक मास्टर की जनरेट करते हैं दोनों अपनी अपनी साइड पे। सो इसके पास भी मास्टर की होती है, इसके पास भी मास्टर की होती है। ये मास्टर की काम आती है सेशन की जनरेट करने के लिए। सो मास्टर की जनरेट करता है फिर सेशन की, सेशन की डिफरेंट होती है क्योंकि मास्टर की एक होगी लेकिन सेशन की डिफरेंट होती है डिफरेंट टास्क के लिए, क्योंकि उसमें इंक्रिप्शन भी होना है और उसमें ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी भी होनी है कि जो यहाँ से मैसेज जाएगा यहाँ को वो मैसेज की इंटीग्रिटी भी तो मेंटेन रहनी चाहिए। तो उसके लिए सेशन की हमें डिफरेंट चाहिए होती है, कुछ ऑथेंटिकेशन के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, और मैसेज इंक्रिप्शन के लिए। सो मास्टर की एक होती है दोनों साइड पे, जो कि कैलकुलेटेड होती है इस कैलकुलेशन से CR, SR और PM की से, और फिर मास्टर की का काम होता है सेशन की जनरेट करना। सो अपनी अपनी साइड पे क्या करते हैं, मास्टर की जनरेट करता है चार कीज, इनके पास चार कीज होती हैं, फोर नंबर ऑफ कीज। क्लाइंट राइट की होती है, सर्वर राइट की होती है, क्लाइंट राइट मैक की होती है, और सर्वर राइट मैक कीज होती है। ये सेशन कीज होती हैं चार। सो जो क्लाइंट राइट की होती है बेसिकली, ये जैसे यहाँ से डेटा ये भेजेगा, क्योंकि अब यहाँ पे चैनल बन चुका है, सिक्योर चैनल बन चुका है, अब डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। सो जो डेटा ट्रांसमिशन की बात होती है वो काम करता है रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। हैंडशेक प्रोटोकॉल ख़त्म हो चुका है, हैंडशेक का काम होता है सिर्फ नेगोशिएट करना, एक सिक्योर चैनल इस्टेब्लिश करके देना, करेक्ट, उसके बाद काम होता है रिकॉर्ड प्रोटोकॉल का। सो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सिमेट्रिक की है, जनरली ये सिमेट्रिक की जो होती है बेसिकली, सो दोनों साइड पर सेम होती है। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर क्लाइंट को कोई डेटा भेजना है सर्वर को, वो क्या करता है इसको इनक्रिप्शन के लिए अपनी जो राइट की होती है उससे इनक्रिप्ट कर देता है। यहाँ पे क्लाइंट का डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा क्लाइंट के राइट की से, और सर्वर के पास भी ये की होती है क्लाइंट की राइट की। सो जैसे ही सर्वर के पास डेटा गया, सर्वर क्या करेगा, इसी क्लाइंट के राइट की से उसको डिक्रिप्ट कर देगा। अगर सर्वर को इसको मैसेज कोई मैसेज सेंड करना है तो सर्वर क्या करेगा, अपनी राइट की से उसको इनक्रिप्ट कर देगा।
और क्लाइंट के पास भी क्या होता है, ये सर्वर की राइट की होती है, वो इसी सर्वर के राइट की से को यहाँ पे राइट की से इसको डिक्रिप्ट कर देगा। सो ये चार सेशन कीज होती हैं SSL में। सो चार सेशन की का अलग अलग काम होता है, इसमें से दो की जो यूज होती हैं वो राइट इंक्रिप्शन के लिए यूज होती हैं, और ये वाला जो होता है राइट मैक की, मैक स्टैंड फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ये मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल नहीं होता है, ये होता है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ये यूज होता है ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी के लिए, कि मैसेज जो यहाँ से, इंटीग्रिटी क्या होती है, जो यहाँ पे मैसेज यहाँ से सर्वर के तक गया वो मैसेज वही होना चाहिए एज इट इज़ जो यहाँ से सेंड किया गया था, बीच में कोई भी उसको टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए या अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए उस मैसेज में। सो ये इंटीग्रिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है टू मेंटेन द सिक्योरिटी। सो ये जो काम होता है वो क्लाइंट की राइट मैक की होता है। सो क्लाइंट ये इसको इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है अपनी इस की से, और सेम सर्वर क्या करेगा, इस की से उसे इंटीग्रिटी को, हैश वैल्यू को चेक करेगा मैक ऑथेंटिकेशन की से। सो ये प्रोसेस है बेसिकली, कीज़ का मेजर रोल है इसमें, क्योंकि इसके बाद सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड में सेम की है। यहाँ तक हम देख रहे थे पब्लिक की प्राइवेट की का फंक्शन था, कि एक के पास पब्लिक की थी, उसको पब्लिक की से हमने क्लाइंट ने उसको इनक्रिप्ट किया था, सर्वर उसको अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर रहा था, करेक्ट। यहाँ पे हमें दो अलग अलग कीज यूज हो रही थी, लेकिन इसके बाद एक बार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो जाए उसके बाद क्या होता है, फिर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, ये चार जो सेशन कीज होती हैं ये दोनों साइड में होती हैं। अब ये कीज़ कब तक होती हैं, इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक बार कनेक्शन बन गया तो हमेशा के लिए रहेगा, इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन तक ही ये कीज़ अलाइव रहती हैं। अगर उस बीच में डेटा फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया जो कम्युनिकेशन है, फिर ये एस्टैब्लिशमेंट दोबारा होता है हैंडशेक प्रोसेस, और दोबारा फिर ये सारा प्रोसेस वन बाय वन यहाँ से आएगा, और दोबारा इसकी क्लाइंट कीज़ दोबारा जनरेट होती है एज पर दैट रैंडम वैल्यू जो अगले मैसेज में आएगी। सो इसका भी एक सेशन होता है, इसलिए इसको सेशन कीज़ बोलते हैं, एक लिमिटेड सेशन के लिए होता है। आप नहीं देखते एक सेशन किसी ब्राउजर में, अगर हम नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं और या उसका एक OTP का एक सेशन होता है कि इस टाइम के दौरान आपको वो चीज़ करनी होती है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली आपको रिफ्रेश करने को कहता है पेज को, करेक्ट। तो इसलिए ये सेशन कीज यूज होती हैं टू मेंटेन द सेशंस। उसके बाद जैसी ये चीज़ हो जाएगी, आप ये गेट रिक्वेस्ट, अगर आपके ब्राउजर आप एक्सेस कर रहे हो इस बैंक का, सो का जो ब्राउजर है वो सेंड करेगा गेट रिक्वेस्ट। आपको पता है कि जब कोई आपको एक्सेस करना होता है HTTP वेबसाइट, तो आप गेट रिक्वेस्ट भेजते हो, तो यहाँ से फिर ये स्टार्ट करेगा कम्युनिकेशंस जो कि इनक्रिप्टेड होगी। यहाँ पे अगर भेजता तो ये, अगर SSL नहीं होता तो ये इनक्रिप्टेड नहीं होती कम्युनिकेशंस। ये सारा प्रोसेस हुआ है, तो ये यहाँ से जो डेटा जाएगा बिटवीन क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट, ये सारा जो होगा वो SSL से बेसिकली सिक्योर्ड होगा। तो उसमें सारा प्रोसेस आ गया, ऑथेंटिकेशन भी आ गया, इनक्रिप्शन भी आ गया। तो ये सारा इसका हैंडशेक प्रोसेस है TLS 1.2 का। 1.3 में इन्होंने क्या किया, बेसिकली मैसेजेस कम कर दिए हैं। उसमें क्या किया, क्लाइंट हेलो भेजेगा इसी में वो साइफर सीडी भेज देता है, सर्वर हेलो भेजेगा इसी में वो साइफर सीडी भेज देता है जो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, करेक्ट। सो सिर्फ तीन मैसेजेस उसमें काम करते हैं, उसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा बाद में, जो भी इसके डिफरेंस हैं TLS 1.2 वर्सेस TLS 1.3। तो ये इसका एक प्रोसेस है। अब यहाँ पे आते हैं हैंडशेक प्रोटोकॉल, हम प्रोटोकॉल पे, ये इसका हैंडशेक प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमने कहा था हैंडशेक प्रोटोकॉल, जो सबसे पहला प्रोटोकॉल काम करता है हैंडशेक प्रोटोकॉल, हैंडशेक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये सेशन एक बार कंप्लीट हो गया, यहाँ पे डेटा इंक्रिप्शन जो सेशन की जाए जनरेट हो गई, तो सारा डेटा का कम्युनिकेशन इनका मैसेज कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा या मैसेज ट्रांसफर चालू हो जाएगा विद द सिमेट्रिक कीज, सिमेट्रिक की जो इस की से जो मैसेज बेसिकली राइट हुआ होगा वो इसी सेम की से ही इसको आपका उसको रीड कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। सिमेट्रिक की का कॉन्सेप्ट पता ही है कि सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर मैसेज आपका एक्स की से राइट किया गया है, इनक्रिप्ट किया गया है, तो एक्स की से ही वो डिक्रिप्ट भी होगा। तो यहाँ पे सेशन की दोनों चारों के पास रहती है। सो हैंडशेक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब बात आती है रिकॉर्ड प्रोटोकॉल की। सो जैसे ये सिमेट्रिक कीज मिलती हैं, फिर रिकॉर्ड प्रोटोकॉल क्या करता है, ये आपका एप्लीकेशंस डेटा है, जो कोई भी एप्लीकेशंस डेटा हो सकता है, आपका HTTP हो सकता है, मेल हो सकता है, या आपका FTP हो सकता है, DNS, कुछ भी एक डेटा हो सकता है। तो डेटा सबसे पहले क्या होता है, फ्रैगमेंट होता है, पूरा डेटा एक ब्लॉक साइज़ में अलग अलग फ्रैगमेंट होता है, उसको डिवाइड किया जाता है अलग अलग ब्लॉक साइज़ में।
फिर उसको सबसे पहले कंप्रेस किया जाता है। ये सारा काम जो होता है ये रिकॉर्ड प्रोटोकॉल का होता है। कंप्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें एक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड ऐड करते हैं। ये कौन सा, यहाँ पे आप रिलेट कर पाओगे आप। सो यहाँ पे जो रिकॉर्ड प्रोटोकॉल है वो ये सवाले की से क्या करेगा, जैसे ये आपका राइट मैक कीज़ है, वो सर्वर की भी हो सकती हैं या क्लाइंट की भी हो सकती है। तो जहाँ से ये डेटा आ रहा है, सपोज़ करो यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट ये डेटा सेंड कर रहा है, सो ये जो मैक यहाँ पे मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जो यहाँ पे हम लेबल करेंगे, ऐड करेंगे, वो इस क्लाइंट राइट मैक की से करेंगे। सो यहाँ पे ये ऐड कर देगा उसमें मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, देन इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट के लिए हम क्या यूज़ कर, कौन सी सेशन की यूज़ करते हैं, राइट की। सो क्लाइंट राइट की से वो इसको इनक्रिप्ट भी कर देगा। और इस जो SSL का एक हेडर है वो मैसेज पे अपेंड करके या वहाँ पे लेबल आगे से उसको ऐड करके भेज देगा ओवर द ट्रांसमिशन चैनल। सो सेकंड साइड पे जाएगा तो डिक्रिप्शन मेथड भी सेम होगा, पहले उसको हटाएगा, उसको डिक्रिप्ट, यहाँ पे जाएगा डेटा, सबसे पहले वो देखेगा SSL हेडर, फिर चेक करेगा कि ये इनक्रिप्टेड डेटा, सर्वर चेक करेगा डेटा कि इनक्रिप्टेड है, किससे इनक्रिप्टेड है, इस क्लाइंट की राइट की से इंक्रिप्टेड है। तो ये इसी क्लाइंट की राइट की से उसको डिक्रिप्ट कर देगा। इस देखेगा कि इसमें एक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है फॉर द इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन, करेक्ट। फिर ये क्या करेगा, क्लाइंट की जो राइट मैक की है इसको डिक्रिप्ट कर देगा। तो इससे इसको इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन का पता चल जाएगा इस केस में। उसके बाद कंप्रेस डिकम्प्रेस करेगा और रीअसेंबल करेगा डेटा को, सो वो डाटा रीडेबल हो जाएगा सिक्योर्ड फॉर्म में। तो ये इसका प्रोसेस है। तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है बेसिकली वो रिकॉर्ड प्रोटोकॉल का काम होता है, जो कि आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है और मैसेज इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब एक और काम होता है अलर्ट प्रोटोकॉल का, ये 1 byte या 2 byte का एक बेसिकली लेबलिंग होती है। सो अलर्ट होता है इन केस यहाँ पे कोई प्रोसेस में, सपोज करो यहाँ पे क्लाइंट ने कुछ वर्जन भेजा TLS और वो सर्वर उस वर्जन को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो जो अलर्ट का काम होता है वो इस प्रोटोकॉल का काम होता है। सपोज़ करो और भी हो सकता है, यहाँ पे सर्वर पब्लिक, इसने अपना सर्वर ने अपना जो सर्टिफिकेट भेजा, उस सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है सपोज़ करो, करेक्ट। सो वो क्या करेगा, अलर्ट कर देगा दूसरी साइड को कि ये सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है। तो ये सारा जो काम होता है बेसिकली ये अलर्ट प्रोटोकॉल्स का होता है। ये डिफरेंट अलर्ट्स हैं, अगर आप देखोगे बैड रिकॉर्ड मैक का अगर है, रिकॉर्ड ओवरफ्लो हो रहा है, हैंडशेक फेलियर अगर हो चुका है, अगर सर्टिफिकेट बैड है, कुछ प्रॉब्लम है सर्टिफिकेट में, डेट का इशू है या अथॉरिटीज़ का इशू है, सो अनसपोर्टेड सर्टिफिकेट, कुछ जो सपोर्ट नहीं करता आपका ब्राउज़र या सर्वर, वो सर्टिफिकेट आपने भेज दिया, सो इलीगल पैरामीटर कुछ अगर है उसमें, तो ये सारे अलर्ट प्रोटोकॉल का काम होता है कि अलर्ट करना दूसरी साइड को कि ये जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है दिस इज़ नॉट लीगल। तो ये सारा अलर्ट प्रोटोकॉल का काम होता है। एक है यहाँ पे चेंज साइफर स्पेसिफिकेशंस। सो इसका स्टेट होता है करंट पेंडिंग स्टेट ऑफ इंक्रिप्शन। ये बेसिकली कब काम करता है, यहाँ पे जो ये प्रोसेस है, अगर यहाँ तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और डेटा अब यहाँ पे सिमेट्रिक के साथ इंक्रिप्शन होने के लिए रेडी हो जाता है, करेक्ट। सो ये मैसेज सेंड करता है क्लाइंट सर्वर को, सर्वर क्लाइंट को, चेंज साइफर स्पेसिफिकेशन। सो यहाँ पे जो ये चीज़ें हैं बेसिकली ये इसका काम होता है। सो जब तक ये प्रोसेस चलता है तब तक ये पेंडिंग स्टेट में रहता है, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अब डाटा इनक्रिप्ट होके प्रोसेस हो सकता है, तब ये करंट स्टेट में चले जाता है। सो करंट स्टेट और पेंडिंग स्टेट, दो स्टेट में होता है ये आपका प्रोटोकॉल, दैट्स कॉल्ड द SSL चेंज साइफर स्पेसिफिकेशन। सो इसके जो सब प्रोटोकॉल हैं बेसिकली, सो SSL एक आर्किटेक्चर है आई वुड से। सो आर्किटेक्चर में ये इसके सब प्रोटोकॉल काम करते हैं। जो मेन प्रोटोकॉल, मेजर प्रोटोकॉल, वो आपका हैंडशेक प्रोटोकॉल है। फिर डेटा ट्रांसमिशन के लिए रिकॉर्ड प्रोटोकॉल काम करता है। तो अभी मैं आपको एक बार और ये दिखाऊंगा कि जो वायर शार्क में पैकेट मैकेनिज्म है वो कैसे होता है। ये स्क्रीनशॉट लिया था। तो सबसे पहले ये मैसेज है क्लाइंट हेलो का, पैकेट कैप्चरिंग वायर शार्क में क्लाइंट हेलो का मैसेज। सो मैंने PPT में भी बताया था कि क्लाइंट हेलो का मैसेज है उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है। एक रैंडम वैल्यू जाती है, एक सेशन ID जाती है, और साइफर स्वीट जाता है, जो मैंने स्वीट आपको दिखाया था। इसमें से फिर सर्वर चूज करेगा कि कौन सा स्वीट उसको यूज़ करना है, उसको RSA विद AES-128 GCM यूज़ करना है या CVC यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है सर्वर पे उस केस में। सो ये क्लाइंट हेलो की इन्फॉर्मेशन होती है जो जाती है सर्वर को। अब ये होता है सर्वर हेलो। तो सर्वर हेलो भी मैंने आपको दिखाया था स्लाइड में कि सर्वर हेलो का जो मैसेज होगा
इट कैरीज रैंडम वैल्यूज साइफर सुइट। तो ये साइफर सुइट ये चूज कर लिया उसमें से इसने कि मैं इस साइफर सुइट पे आगे कम्युनिकेट करूँगा। तो ये सारा सुइट नहीं भेजेगा आपको, बेसिकली क्लाइंट भेजेगा। ये क्लाइंट वाले में से जो सर्वर है वो स्पेसिफिक एक चूज करेगा, वो भेजेगा कि मुझे इस जो एल्गोरिदम है उस पर साइफर सुइट पे बात करनी है, वो इंक्रिप्शन के लिए, इंटीग्रिटी के लिए या ऑथेंटिकेशन के लिए। तो इसमें से चूज करके सर्वर हेलो का मैसेज सेंड कर दिया। ये अपना सर्टिफिकेट भी भेजता है, एक मैसेज होता है थर्ड जो कि सर्टिफिकेट भेजता है। मैंने आपको बताया था कि सर्वर क्या करेगा, अपना सर्टिफिकेट भेजेगा फॉर द सेल्फ ऑथेंटिकेशन। उसको ऑथेंटिकेट बोलेगा तुझे अगर ऑथेंटिकेट करना है तो कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, सॉरी वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो सर्टिफिकेट अथॉरिटी से। सो इसमें ये पूरा सर्टिफिकेट भेजता है, इसमें अपना पूरा सर्टिफिकेट की डिटेल भेजता है। तो वो फिर क्लाइंट इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है सर्टिफिकेट अथॉरिटीज से। फिर जो मैसेज मैंने बताया था आपको क्लाइंट की एक्सचेंज, फिर क्लाइंट क्या करता था, एक प्री मास्टर की भेजता था और साइफर स्पेक भेजता था, कि चेंज साइफर स्पेक भेजता था कि अब हम दूसरी जो इनक्रिप्शन कीज हैं उस पर काम करेंगे। सो यहाँ पे ये क्लाइंट इनक्रिप्टेड की, ये इनक्रिप्टेड मैंने बताया था आपको, प्री मास्टर की को क्या करता है, सर्वर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देता है और वो सर्वर को सेंड कर देता है। ये इनक्रिप्टेड फॉर्म, यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि आपका इनक्रिप्शन शुरू हो जाता है, फर्स्ट जो इनक्रिप्शन पैकेट होता है वो यहीं से शुरू हो जाता है, यहाँ से नहीं बेसिकली सर्वर से ही शुरू हो जाता है। ये सर्वर जो सेंड करता है अपना जो सर्टिफिकेट सेंड कर रहा है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। तो फर्स्ट इनक्रिप्टेड फॉर्म जो होता है सर्वर के हेलो में ही होता है। सेकेंड जो क्लाइंट की साइड से जो फर्स्ट मैसेज होता है वो ये वाला होता है जो इनक्रिप्टेड होता है, जिसको कोई रीड नहीं कर सकता। सो ये सर्वर के साइड पे जाएगा, ये क्लाइंट इनक्रिप्ट करके देता है सर्वर की उससे, अपना सर्वर की पब्लिक की से, तो सर्वर उसको अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा। सो ये मैसेज था अगला वाला, क्लाइंट की एक्सचेंज जो होता है। फिर लास्ट में और यहीं पे अपना ये फिनिश का भी भेज देता है एक मैसेज कि ये सारी चीज़ों पे मैंने नेगोशिएट करूँगा फॉर द फर्दर कम्युनिकेशंस और इसके बाद कंप्लीट, मेरे पास कोई और डेटा भेजने को नहीं है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे मैसेज पे बात करेंगे। ये फिनिश का मैसेज भेज देता है, सर्वर भी उसको नेगोशिएट का अपना कन्फर्म करता है कि हाँ ये नेगोशिएशन आई एम एग्रीड ऑन दोज पॉइंट। तो जो भी वो एग्रीमेंट है वो सेंड कर देता है, अपना भी वो फिनिश्ड मैसेज सेंड कर देता है। सो बेसिकली पांच मैसेजेस में एक्सचेंज होते हैं आयूट से। कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है कि कितने मैसेजेस, क्या मैसेजेस, पांच मैसेज आयूट से कि अगर मैं वायरशार्क की बात करूँ। सो TLS 1.2 में पांच मैसेजेस, क्लाइंट हेलो भेजेगा, फिर आपका सर्वर हेलो भेजेगा, सर्वर अपना सर्टिफिकेट भेजेगा, क्लाइंट अपना चेंज साइफर स्पेक भेजेगा विथ प्री मास्टर कीज और सर्वर उसको नेगोशिएशन को वेरीफाई करेगा। सो दोनों ये पांच मैसेजेस जाते हैं अनटिल अनलेस कि आपका कोई क्लाइंट ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस उसमें कंप्लीट ना हुआ हो, करेक्ट। सो ये पांच मैसेजेस इस पर काम करते हैं। TLS 1.3 में सिर्फ तीन मैसेजेस काम करते हैं। सो ये है आज के लिए, आई थिंक ये ब्रीफ एक इंट्रोडक्टरी है। सो इसमें से अगर कोई आपको कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए सो देन यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो। एंड आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।